ट्रिगर्ड इंसान था, वो बता रहे थे अपने वीडियोस में कि वो अगर एक थंबनेल अगर डाल लेते हैं तो उसके बाद भी वो थंबनेल को चेंज करते हैं अगर वो थंबनेल परफॉर्म नहीं किया, वो टाइटल भी चेंज करते हैं क्योंकि वीडियो पे इतनी मेहनत की गई है तो टाइटल एंड थंबनेल हम बदल सकते हैं, अगर उस पर उतना क्लिक थ्रू रेट या फिर व्यूज़ नहीं आ रहा है तो आप ट्राई एंड टेस्ट करके देख सकते हैं। इससे आपको सिर्फ उस वीडियो के लिए नहीं बल्कि आने वाले वीडियो के लिए भी फर्क पता चलेगा कि किस टाइप के थंबनेल में ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, कैसा मैं थंबनेल बनाऊँ जो लोग क्लिक करें उस वीडियो पे, तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन जो लोग नहीं लगा पा रहे हैं फिर जो लोगों को बना बनाया पका पकाया खाना खाना है तो उस केस में हेलो गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज मैं कॉलेज नहीं गई क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट सिलेबस सारा कंप्लीट हो गया है, इनफैक्ट मेरा अटेंडेंस भी 80% क्रॉस कर चुका है, 81-82% क्रॉस हो चुका है एंड जो चाहिए मिनिमम अटेंडेंस वो 75%। तो मैं सोची अब कॉलेज आगे कोई कुछ चीज उखड़ने वाली है नहीं, तो फिर अब मैं घर पे रहती हूँ, अब मैं अपने हॉस्टल में रहने वाली हूँ, कुछ कुछ काम करने वाली हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत दिन से मैं अपने यूट्यूब पे कुछ भी वीडियोस खास वीडियो में अपलोड नहीं कर रही थी एंड ऑल्सो मेरे को इतने सारे कॉमेंट्स आए, मतलब कुछ लोग ने इतने सारे मतलब अलग अलग वीडियोज में, मैं अभी बस वही कॉमेंट्स पढ़ रही थी एंड मैंने देखा कि इतने सारे लोगों ने कॉमेंट किया, इसीलिए मेरे को मोटिवेशन आया कि चलो ठीक है वीडियोस बनाते हैं। बेसिकली ज्यादातर कमेंट्स थे किस तरीके से वीडियोस बनाती हूँ, किस तरीके से अपलोड करती हूँ, किस तरीके से थंबनेल वगैरह, वो सारे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो मैंने सोचा कि अब मैं इस पे भी वीडियोस बनाऊं बिकॉज बहुत सारे लोगों की ये डिमांड है, तो अगर मैं डिमांड वाइज बनाऊंगी वीडियो तो शायद लोगों को ज्यादा पसंद आए, तो मैं वो सारे भी वीडियोस बनाऊंगी एंड ब्लॉग तो मैं ऑब्वियसली अपलोड करूंगी बिकॉज ये जब भी कॉन्टेंट की कमी हो जाती है तो ब्लॉग एक ऐसा चीज होता है जो हम लोग अपलोड कर सकते हैं एंड ब्लॉग में इतना ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता है कि अच्छा ये नहीं अपलोड कर सकते वो अपलोड नहीं कर सकते। बस मैंने यही सोचा है कि मुझे आज ये करना है। अभी बज रहे हैं 8:30 एंड अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने, ब्रेकफास्ट करके आने के बाद उसके बाद आई विल स्क्रिप्ट द वीडियो एंड स्क्रिप्ट बनाने के बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगी एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो सबसे पहले जाते हैं ब्रेकफास्ट करने एंड ऑल्सो मैं कुछ मतलब मुझे कुछ किसी ने बिस्किट गिफ्ट किए इतने सारे, सो जिसने भी दिया थैंक यू सो मच। सो आई एम बैक टू माई होम अगेन। तो अभी मैं आ गई हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो बनाने के लिए जो सबसे पहला काम करना पड़ता है वो थंबनेल और टाइटल डिसाइड करना कि कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ और थंबनेल क्या होगा। तो ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही दो चीज़ आप डिसाइड करेगा कि लोग आपके वीडियो पे क्लिक करेंगे कि नहीं। अगर आपने टाइटल थंबनेल में बहुत कम टाइम इन्वेस्ट किया है, वीडियो पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है तो ये गलत चीज़ है। आपका स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, आपका वीडियो बहुत अच्छा है, लेकिन टाइटल एंड थंबनेल में आपने कमी कर दी तो लोग क्लिक ही नहीं करेंगे। लेकिन थंबनेल पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इनफैक्ट मुझे भी ये एडवाइस मैं खुद भी अपने पे लेती हूँ बिकॉज मैं बहुत कम टाइम इन्वेस्ट करती हूँ टाइटल एंड थंबनेल के लिए एंड मैं बेसिकली वीडियो ही बना लेती हूँ एंड यही गलती जो है ना वो एवरेज यूट्यूबर कर रहे हैं। ट्रिगर्ड इंसान अगर आप जानते हो तो उनको मैंने देखा, मतलब वो बता रहे थे अपने वीडियोस में कि वो अगर एक थंबनेल अगर डाल लेते हैं तो उसके बाद भी वो थंबनेल को चेंज करते हैं अगर वो थंबनेल परफॉर्म नहीं किया, यूट्यूब स्टूडियो से वो जाके थंबनेल वो टाइटल भी चेंज करते हैं क्योंकि वीडियो पे इतनी मेहनत की गई है तो टाइटल एंड थंबनेल हम बदल सकते हैं, अगर उस पर उतना क्लिक थ्रू रेट या फिर व्यूज़ नहीं आ रहा है तो आप ट्राई एंड टेस्ट करके देख सकते हैं। इससे आपको सिर्फ उस वीडियो के लिए नहीं बल्कि आने वाले वीडियो के लिए भी फर्क पता चलेगा कि अच्छा मुझे ये वीडियो में डालना है कि नहीं डालना है, मुझे किस टाइप के थंबनेल डालना है, किस टाइप के थंबनेल में ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो आप तो ये चीज़ आपके आने वाले वीडियोस में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट ला सकती है। मान लो कि आपको थंबनेल वगैरह आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं क्योंकि थंबनेल सोचना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, कैसा मैं थंबनेल बनाऊं जो लोग क्लिक करें उस वीडियो पे, तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप दिमाग लगा रहे हो तो ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं लगा पा रहे हैं फिर जो लोग को बना बनाया पका पकाया खाना खाना है, तो उस केस में मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने बताया कि आप डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करो वो टॉपिक को एंड जैसा ही थंबनेल जो वीडियोज़ आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक में मिल जाए एंड जैसा उस वीडियोज़ का थंबनेल है वैसा सेम अपने फेस को यूज़ करके वो चीज़ को रिक्रिएट कर सकते हैं एंड उसको थंबनेल में डाल सकते हैं। इससे फ़ायदा आपका ये होगा कि आपका टाइम बचेगा, आपका थोड़ा सा मेहनत लग सकता है लेकिन साथ ही साथ क्योंकि ऑलरेडी उस टाइप का थंबनेल को लोगों ने पसंद किया है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी वीडियोज़ को भी लोग पसंद करेंगे। एनीवेज मूविंग ऑन टू टाइटल के लिए आप ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि टाइटल जो है बेसिकली SEO से काम करता है। सो बेसिकली टाइटल आपको थोड़ा सा अलग रखना पड़ेगा ताकि आपका जो वीडियो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में
आपकी वीडियो रैंक कर सके, इसलिए आपको टाइटल सेम नहीं रखना है, टाइटल थोड़ा सा डिफरेंट रख देना है, पूरा भी डिफरेंट नहीं, बस थोड़ा मोड़ा डिफरेंट, आप वर्ड्स को चेंज कर सकते हो, स्पेलिंग अलग रख सकते हो। इस मेथड को इस्तेमाल करके मैंने डिसाइड कर लिया मेरा टाइटल और मेरा थंबनेल। सो अब बारी है स्क्रिप्टिंग की। तो स्क्रिप्टिंग के लिए मैंने ये कॉपी ले लिया है एंड इसमें मैं स्क्रिप्ट बनाने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि कुछ लोगों ने मुझे यूट्यूब रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं कि किस तरीके से मैं ये सारी चीज़ें को वर्क करती हूँ, उसी हिसाब से मैंने क्या किया कि कॉमेंट सेक्शन पर गई, कमेंट्स में जो जो क्वेश्चंस लोगों ने पूछा है उसको मैंने एक बार देख लिया कि अच्छा हाँ, ये सारे क्वेश्चंस को मुझे अपने वीडियो में, क्वेश्चंस के आंसर को मुझे अपने वीडियोस में इंक्लूड करना है, सो दैट लोगों को डिफिकल्टी ना आए। एटलीस्ट आई एम नॉट अ प्रो यूट्यूबर, एकदम टॉप यूट्यूबर मैं अभी भी नहीं हूँ, बट क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम हो गया यूट्यूब वीडियोज़ बनाते हुए एंड जो लोग एकदम स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी, तो उन लोगों को हेल्प हो सकता है इस चीज़ से। सो मैं थोड़ी देर स्क्रिप्ट बनाती हूँ, आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। ओके, तो बहुत से लोग ये बोल सकते हैं कि यार अगर आपको इतना कुछ नॉलेज है तो फिर आप अभी भी इतने कम सब्सक्राइबर्स में क्यों, व्हाई यू डोंट रीच एट लार्ज नंबर। सो इसका रीज़न, इसका आंसर मैं ये बताना चाहती हूँ कि रीज़न ये है कि यूट्यूब अभी कॉम्पिटेटिव हो चुका है एंड जो जो चीज़ें मैंने बोला है, जो जो चीज़ें समझ में आई है, उस हिसाब से वो चीज़ों को अगर मैं फॉलो करती हूँ अगर लॉन्ग रन में, वही वो चीज़ें सक्सेसफुल हो सकती है। अगर मुझे पता है एक दो वीडियो पे मैं अप्लाई कर रही हूँ तो भी वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा, और अगर मैं उसको बहुत सारे वीडियोज़ में अप्लाई कर रही हूँ और वो सेम चीज़ों को अप्लाई करते जा रही हूँ, नए नए चीज़ों को अप्लाई करते जा रही हूँ, तो ही लगा YouTube कि हाँ ये एक जेन्युइन बंदा है जो YouTube पे अच्छा कंटेंट बना रहा है, बनाया जा रहा है, तो वो YouTube फिर प्रमोट करना शुरू करता है वीडियोस को। एवरीवन नोज कि पहले कुछ साल स्ट्रगल वाला, हर एक जॉब सेक्टर में, हर एक चीज़ में, और हर एक चीज़ में स्ट्रगल वाला होता है। कुछ लोग लकी होते हैं जो लोग का एक बार में वीडियो वायरल हो जाता है, बट आई एम नॉट दोज वन। सो आई है वीडियो को रिकॉर्ड करने के, तो रिकॉर्ड करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल है बिकॉज जो बैकग्राउंड है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है एंड मेरे पास ये कर्टन्स है, जो ये कर्टन्स बहुत ही अच्छे कलर के एंड अच्छा बैकग्राउंड दे सकते हैं। सामने में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लाइट आ रहा है, सो एंड ऑल्सो यहाँ पे एक और लाइट है, यहाँ पे ट्यूब लाइट है, तो इस हिसाब से यहाँ पे अच्छी रोशनी आती है। मैं फ़ोन को अच्छे तरीके से यहाँ पे सेट करूँगी एंड अच्छे से बैकग्राउंड में वो वीडियो को भी रिकॉर्ड करने वाली हूँ। इसी तरीके से मैं शूट कर लेती हूँ अपनी वीडियो को। तो अभी मेरा वीडियो शूट हो चुका है एंड अब बारी है वीडियो की एडिटिंग का एंड ऑल्सो वीडियो को अपलोड करने का जो पार्ट टू बनाने वाली हूँ, उस वीडियो में आपको एडिटिंग, थंबनेल अपलोड करना, किस तरीके से मैं थंबनेल बना रही हूँ, वो सारी जो चीज़ है वो मैं अपने पार्ट टू में डालूंगी। यहाँ तक सिर्फ था कि मैं किस तरीके से वीडियो को रिकॉर्ड करती हूँ एंड जो वीडियो का थंबनेल है सारा जो है वो पार्ट टू वीडियो में आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो आप मेरा पार्ट टू ज़रूर देखिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है।